शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बिल्कुल ठंडा बर्फ जैसा पानी है, पैर पानी में डालने के बाद एकदम सुन हो गए और पैरों से ना बिल्कुल थकान निकल गई, जितना जितना ऊपर चढ़ के आए थे। रूसी सेना खारकोव से 70 मील तक पहुंची, उस समय भी वही था जैसे इस समय ना खारकीव में चल रहा। कहते हैं ना इतिहास अपने को दोहराता है, ये सारा इसमें दिखाई देता है। हम आपके पास आ रहे थे। हेलो, गुड मॉर्निंग। तैयार सब? एकदम बढ़िया से तैयार। पेमेंट भी कर दिया? अरे छोड़ दीजिए इसको, बढ़िया। ये बाल से पेमेंट सब कर दिया होटल में। अच्छा, डन डन। चलिए निकलते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं आज का जर्नी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर वंस अगेन। और सुबह के 8 बज चुके हैं, ये भी नहा धो के तैयार हो चुकी है, मैं भी बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ। और आज का जो व्लॉग है स्टार्ट कर रहे हैं हम ऋषिकेश से। और आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, हमने दिल्ली से जो अपनी यात्रा है वो करी थी स्टार्ट। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो वो भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। और आज हम जाएंगे नक्षत्र वेधशाला, नीर वाटरफॉल, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग रस्ते में रघुनाथ मंदिर पड़ेगा, तो ये सारे प्लेसेस हमने पिछली बार मिस कर दिए थे। तो हम भी मतलब आपकी ही कैटेगरी में आते हैं कि पिछली बार मिस कर दिए, तो इस बार जरूर कवर करके ये सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं। बाकी फटाफट सामान पैक करते हैं और बाहर निकलते हैं क्योंकि सुमन पायल भी इंतजार कर रहे हैं। और ये जो रूम आप देख रहे हैं ये हमें पड़ा है 1800 रुपए का, उन्होंने 2500 का बताया था और वो बता रहे थे 4 से 5 हजार तक देती है पीक सीजन में। गुड मॉर्निंग। तो रात को बाइक बाहर ही खड़ी थी हमारी, एक्चुअली इनकी पार्किंग नहीं है। और होटल का नाम था हमारे होटल निर्वाणा पैलेस। चलो जी, आज का सफर शुरू हो गया। और अभी मैंने जो राइडिंग गियर्स हैं वो नहीं पहने हैं, सिर्फ हेलमेट पहना हुआ है और शूज़ पहने हुए हैं। बेसिकली राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट नहीं पहनी है क्योंकि थोड़ी दूर जाके हमें एक ट्रैक करना है। और ये लोग कहाँ निकले हैं? लेफ्ट निकले होंगे। तो ये है ऋषिकेश की गलियाँ। सुबह के बज चुके हैं 8:30। तो कल हम आए थे जी भूतनाथ टेम्पल, गोवा बीच करा था। और कहाँ गए थे? एक मंदिर और था, कौन सा था भूल गया, दिमाग में ही नहीं आ रहा है। बीटल्स आश्रम यानी कि 84 कुटिया और गोवा बीच। बाकी आज हम जाने वाले हैं रुद्रप्रयाग और बीच में जो प्लेसेस है वो दिखाएंगे आपको। और डिस्टेंस है टोटल मेरे ख्याल से 167। मेरे बोले तू मन के द्वार खोले, जो तेरा नाम बोले वो भव से जाए पार। मेरे बोले तू मन के द्वार खोले, तुझसे ही पार खोले इस नैया में सवार। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का कितना सुंदर नज़ारा है, बीच में से गंगा नदी बह रही है, सामने पहाड़ हैं। तो जी नीर वाटरफॉल का रास्ता उधर से, इधर ट्रैफिक लगा हुआ है, निकलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। चलो जी, किसी ने तो रास्ता दिया। ओहो, धूल। नीर वाटरफॉल एंट्री फीस है जी 30 रुपीज़ पर पर्सन, फॉरेनर 50। ओए होए 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 होए, यहीं से स्टार्ट होता है ट्रैक। देखो आगे, हाँ यही है। अबे भाई ट्रैक तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है मुझे। मजा आएगा। हाँ हाँ, पूरा ऊपर। हम बहुत खुश होते हैं, भैया ने बोला ना ऊपर तो गाड़ी चली जाएगी। लो जी, बाइक हमने यहाँ पर पार्क कर दी है। बेसिकली जो ट्रैक है यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला जो झरना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद 2 झरने और हैं जो मेन है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, पूरा का पूरा जो वाटरफॉल है ऊपर से बह के आ रहा है, देखिए। तो बस ट्रैक स्टार्ट करने से पहले हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं, चाय, मैगी, नमकीन शमकीन सब मिल जाएगा, पराठे वगैरह भी। हाँ ये जगह अच्छी है, ये देखो सामने ही झरना बह रहा है। नींबू
लेमन का ना टेस्ट बहुत अच्छा है। पहले हम चाय मंगाने की सोच रहे थे लेकिन लेमन देखने के बाद मन हो गया यही मंगाए। सुमन ने तो अपनी चाय कैंसिल करके नींबू लेमन मंगाया। चलो जी ब्रेकफास्ट कर लिया हमने और अब स्टार्ट करते हैं ट्रैक। जी हाँ, 1.25 किलोमीटर का ये ट्रैक होने वाला है। बेसिकली यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए यहीं पर झरना बह रहा है और साथ साथ इसी के हम चलते जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं इधर से ही ऊपर चढ़ना है। थोड़ा सा टफ ट्रैक है लेकिन करेंगे। हाँ जी चलो, थक गए? नहीं, थकी नहीं हूँ, नज़ारों का आनंद ले रही हूँ। चारों तरफ पहाड़ों के बीच में एक झरना बह रहा है, ऐसा लग रहा है आसमान से दूध बह के आ रहा। ये देखो जी, यहाँ तो नहाने का मन कर रहा है। अच्छा, लोग नहा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यार, कितना सुंदर पूल सा बना हुआ है और वहाँ से वाटरफॉल आ रहा है। सुमन भाई नहाने मन तो कर रहा है। मन कर रहा है? देख के तो मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है ना। एक्चुअली हम कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेके आए हैं और हमारे पास थोड़ा सा टाइम भी कम है। टाइम कम है, नहीं तो हम लोग श्योर नीचे उतर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। लो जी, हम पहुँच चुके हैं सेकेंड पॉइंट नीर वाटरफॉल के। तो सामने ही वो रहा सेकंड पॉइंट। जब सभी लोग अंदर जा रहे हैं तो ये कहाँ मानने वाली है। बिल्कुल ठंडा बर्फ जैसा पानी है, पैर पानी में डालने के बाद एकदम सुन हो गए और पैरों से ना बिल्कुल थकान निकल गई, जितना इतना ऊपर चढ़ के आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है। पानी में छपा छप करना ये एक नया ही होगा, छपा छप छपा छप। यहाँ पे ना पानी में छोटी छोटी मछली भी है, देखो ये उठ के आ गई तैरते हुए। देखो ये रही छोटी सी, छोटी छोटी। सो फाइनली हम पहुंच गए जी लास्ट स्टेप पर, यानी कि लास्ट पॉइंट पर नीर वाटरफॉल के। और यहां तक पहुंचने का जो रास्ता रहा बहुत ही टफ रहा, एक्चुअली हमारे लिए टफ रहा, हम प्रो ट्रैकर नहीं हैं। अगर आपके साथ कोई एजेड पर्सन है तो उनके लिए और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बुज़ुर्गों के साथ ना आएँ, बच्चे बच्चे तो ईजिली चढ़ जाते हैं। बाकी अगर फिटनेस अच्छी है तो आप ज़रूर आ सकते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही लास्ट पॉइंट है जहाँ पर कि ये लोग नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा लग रही है, यहाँ पर भी ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है, ये देखिए। और आप यहाँ आएँ तो अपने लिए कपड़े ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे नहाने के बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं, आप अच्छे से नहा सकते हैं। हम ये गलती कर चुके हैं। तो यहाँ पर शॉप्स वगैरह भी है चारों तरफ, तो स्नैक्स वगैरह का भी आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ से 200 मीटर ऊपर कैंप लगे हुए हैं, वहाँ जाके आप कैंपिंग कर सकते हैं। और 2 किलोमीटर ऊपर नीर गांव है, वहाँ भी जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। वैसे हम यहीं पर रुके हुए हैं और वाटरफॉल का नज़ारे ले रहे हैं, खूब मजा मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वैसे नॉर्मल पानी में जल परियाँ होती है लेकिन यहाँ जल परे ही जल परे है। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 12:03, नीर वाटरफॉल हमने कंप्लीट कर लिया है और अब बढ़ रहे हैं देवप्रयाग की तरफ। देवप्रयाग यहाँ से 50-60 किलोमीटर है, तो आधा घंटा या एक घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। लेकिन देवप्रयाग का जो संगम है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई वो जो जगह है ना बिल्कुल ही अलौकिक है, जहाँ पर कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और फिर वो गंगा के रूप में आगे बढ़ती है। ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी बोट्स लगी हुई हैं, यहीं से रिवर राफ्टिंग वगैरह करवाते हैं लोग। आज तक मैंने कभी रिवर राफ्टिंग करी नहीं, थोड़ा सा डर भी लगता है, एक्चुअली तैरना नहीं आता तो करी नहीं कभी इस डर से कि कहीं पलट जाए ना हो तो भैया पानी मुंह में घुस जाएगा, नाक में घुस जाएगा, अंदर घुस जाएगा, कौन बचाएगा। वैसे बचा तो लेते हैं लेकिन फिर भी अंदर डर बैठा हुआ है। जटाधारी महेश त्रिपुरारी गंगा धरा पिलाए आकाश से उतार, मेरे भोले तू मन के द्वार खोले, जो तेरा नाम बोले वो भव से जाए पार। मेरे भोले तू मन के द्वार खोले, तुझसे ही पार खोले इस नैया में सवार। मेरे भोले तू मन के द्वार खोले, जो तेरा नाम। यहाँ पर काफ़ी बड़ी शिव मूर्ति लगी हुई है, तो यार इसकी एक फ़ोटो लेना तो बनता है। जब तक गाड़ी आएगी एक फ़ोटो हो जाएगी अपनी बढ़िया सी टाइगर के साथ। तो शायद हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। नहीं यार, देवप्रयाग का जो संगम है वो तो आगे है, लेकिन यहाँ पर एक मार्केट लगी हुई है जहाँ पर फ्रूट्स वगैरह हैं, शिकंजी वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो मैं वेट करता हूँ उनके आने का, आगे लगाते हैं थोड़ा सा। धूप है यार यहाँ तो।
यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ पे छाया है थोड़ी सी। तो भाई यहाँ पर हम खा रहे हैं खीरे, नींबू पानी वगैरह यहाँ पर मिल जाता है, बढ़िया सा मसाला वगैरह डाल के दे रहे हैं, मज़ा आ गया खा के। तो भाई हम पहुँच चुके हैं संगम देव प्रयाग पर, एक मिनट दिखाता हूँ नज़ारा मैं आपको। ये देखो जी, यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए। तो यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो होता है, और यहाँ से फिर जो गंगा है वो बन के निकलती है आगे की तरफ। शाम का जो नज़ारा होता है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है यहाँ पर, लेकिन हम थोड़ा सा दोपहर में आए हैं। बाकी उधर रघुनाथ टेम्पल भी है, वहाँ पर भी चलेंगे, और इधर एक नक्षत्र वेधशाला है, इधर है या फिर इधर है, तो वहाँ पर भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी जो टाइगर है वो खड़ी कर दी है। यही है, मैं चलाता हूं पहले। तो हम जा रहे हैं नक्षत्र वेधशाला, तो रास्ता यहां से कटता है। एक्चुअली आगे चले गए थे देव संगम पर हम, तो 1 किलोमीटर पहले से ही रास्ता है। अभी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है बनना, तो इस वजह से थोड़ा ख़राब है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये बन जाएगा। तो ये सारे जो प्लेसेस हैं ये आप अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान घूम सकते हैं, जो हम घूम रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा कुछ ऑफ बीट जाना पड़ेगा, ऑन द हाईवे ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो लग रहा है कि कोई गांव आ गया शायद। ये नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर है? आगे है, कितना है, थोड़ा सा है? अच्छा, थैंक यू। कहीं तो पहुँचे हैं, आगे एक मकान सा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे एंड है रोड का, यहाँ खड़ी कर देते हैं। ओके, हम आ चुके हैं नक्षत्र वेधशाला, और ये है नक्षत्र वेधशाला की लाइब्रेरी। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी पंडित चक्रधर जोशी जी ने। बेसिकली ये एक ऑब्जर्वेटरी भी है और लाइब्रेरी भी है, तो पूरा का पूरा टूर आपको देने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रभाकर जोशी है, और मैं यहाँ पर ये नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग है उसके संचालन से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि 1946 जब अंग्रेजों का जमाना था, इस नक्षत्र वेधशाला को स्थापित किया था जो भारत प्रसिद्ध विद्वान थे स्वर्गीय आचार्य चक्रधर जोशी, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उनके द्वारा यहाँ पर उस समय पूरा भारत का भ्रमण करके लगभग 25,000 तो प्रिंटेड बुक्स यहाँ पर वो की गई, और करीब 3,000 पांडुलिपियाँ जिनको मैनुस्क्रिप्ट कहते हैं उनका यहाँ पर संकलन किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत ऐसी दूरबीनें भी रखी गई हैं जिनसे चंद्रमा, तारे और आकाशगंगाएं वगैरह देखी जाती हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं जो पूरे विश्व की धरोहर जो समझी जा सकती हैं। हाँ, यहाँ पर तो जो है ये तो हमारी जिसको जनरल लाइब्रेरी कहा जाता है, वो जनरल लाइब्रेरी यहाँ पर सेटअप की जा रही है अभी। या आप किल उन सुंग जो किम जोंग के दादा हैं उनकी बायोग्राफी भी इसमें देख सकते हैं, और महात्मा गांधी किम जोंग नॉर्थ कोरिया, हाँ उनके दादा की वो है बायोग्राफी। इसके अलावा यहाँ उत्तराखंड के दो खंड कहे गए हैं ना, केदारखंड और मानसखंड। जो इधर का क्षेत्र कहा जाता है उसको केदारखंड कहा जाता है, और इसमें मानसखंड जितने तीर्थ हैं उनका ये इसमें पूरा अच्छा बहुत अच्छा वर्णन है। फोटोग्राफिक तौर पर इसको देखा जा सकता है। ये तो कुमाऊं साइड का है मानसखंड, हमारे जितने तीर्थ हैं ना पूरे उत्तराखंड में। अच्छा, ये तो फोटोग्राफिक ढंग से इसमें वो सब किया गया है। हाँ, ये टेलीस्कोप ये है कि ये तो ये सबसे पुराना टेलीस्कोप है। वैसे तो ये 1903 का, इसमें आप देख भी सकते हैं, इसमें लिखा भी गया है। अच्छा, ये लंदन का है। जो सबसे कॉस्टली है ये 1930 का है, और ये वर्ल्ड में केवल 6 पीस रहे हुए हैं इसके, और इंडिया में केवल एक ही है ये। हाँ, एक घर दिखाई दे रहा है। भोले बाबा नजर आ रहे हैं उधर? भोले बाबा नहीं, नागराजा हैं। भोले बाबा तो हमारे अंदर ही है। अक्षांश रेखांश जो है
पूरा इसमें लेटीट्यूड वगैरह पूरा इस करके वो करके वो किया जाता है। ये 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी गीता है, एक पेज पे लिखी गई है। ये 18 अध्याय जो हैं एक पेज पर हैं लिखे गए, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, और ये पूरा राउंडेड उसमें चक्राकार उसमें लिखी गई है, और इतना बारीक उसमें लिखा गया कि इसके लिए लेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। हाँ, आपको दिखाई देंगे एक एक जो अक्षर है बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं। इसमें पूरी गीता है, पूरी गीता है, इससे भी आप देख सकते हैं इसमें। इससे देखते हैं मैं। हाँ, इससे देखो आप, इससे लगाओ आप, चिपका दो इसमें, नहीं इसको चिपकाओ आप। अच्छा, हाँ इससे तो पढ़ने में भी आ रही है। काफ़ी ऐसे ग्रंथ हैं जो बहुत प्राचीन, उसमें जैसे भृगु संहिता है जो आदमी के तीनों जन्मों का लेखा जोखा जिसमें होता है, कि तो उसको पंजाब से लाया गया था, और जिस आदमी के पास ये थी उसने गोल्ड के बदले दी थी, पैसे नहीं, वह गोल्ड लिया था उसने। और फिर ये देखिए आप, ये तेलुगु के वो हैं, दक्षिण भारतीय ग्रंथ हैं, हाँ ग्रंथ तेलुगु भाषा में, और एक कांच काम कोटि शंकराचार्य जी द्वारा दिए गए थे यहाँ पे। और इसमें जब ये पत्ता बिल्कुल हरा होता था तो गर्म सुई से लिखा जाता था इसमें, तो इस तरह से पूरी एक बुक बन जाती थी वो। हाँ बिल्कुल, आप उसमें देख सकते हैं उसके सोना चांदी बनाने की विधियाँ हैं। किसी भी धातु से आप सोना और चांदी बना सकते हैं, ये प्राचीन विद्याएं हमारी। ये तंत्र मंत्र के बहुत गढ़वाल केयर, अच्छा हाँ, बहुत जो बड़े तांत्रिक और वो हैं उनके ग्रंथ हैं, केवल रिसर्च वर्क के लिए रखे गए हैं ये। फिर इस तरह से देखिए आप, प्राचीन जो जन्म कुंडलियाँ बनती थी, हाँ ये कई मीटर की बनती थी। जूम करो, जूम थोड़ा सा पीछे। हाँ, जन्म कुंडली कई मीटर की होती थी, छोटी सी बुक्स में बनती है। हाँ वो आप पूरे उसमें बनती है। हाँ इसको तो आप खोलते जाएंगे तो, और बाकी यहाँ पेंटिंगों का अलग वो है। जब आदमी चांद पे उतरा था उस समय की कटिंगें यहाँ रखी गई इसमें। 1969 में जब उतरा था तो उसका पूरा इसमें डिटेल दिया गया है कि भाई रात को 1:48 पे वो पहुँचे थे, एडविन एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रांग देश थे, इसमें पूरा उसका डिटेल दिया गया है। 1943 में ये वर्ल्ड वार की न्यूज है इसमें सब। अच्छा? वर्ल्ड वार चल रही थी। कहाँ पर लिखा? देखा देखो आप, रूसी सेना खारकोव से 70 मील तक पहुंची। उस समय भी वही था जैसे इस समय ना खारकीव में चल रहा, हाँ जो रूस में है, यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन में जो चल रहा, उसी समय, उस समय वैसे ही था। मैंने कहते हैं ना इतिहास अपने को दोहराता है, ये सारा इसमें दिखाई देता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये भी है कि देखें उस समय भी हॉर्लिक्स मिलता था 1943 में। देखो आप लिखा है ना हॉर्लिक्स, तो हॉर्लिक्स को आपको बता रहा हूँ मैं, मैडम को भी, कि आप हॉर्लिक्स जब लेंगे तो देख लेना 43 का वो है, ये ऐड है। और ये क्या था, मलेरिया के रोगियों के लिए था ये। अच्छा। जिसको ये बच्चों को खिला रहे हैं ना आज, तो उस समय केवल मलेरिया के रोगियों के लिए निकाला गया था हॉर्लिक्स। मलेरिया भी कब से चलता आ रहा है, हॉर्लिक्स भी। तो मतलब ये बताने का है कि भाई जो है वो निकाला किस चीज़ के लिए गया था, आज इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हो रहा है। फिर ये देखिए आप, ये करीबन 80 साल पुराने बहुत बड़े चित्रकार थे गुजरात के, उन्होंने बना के दिए थे। ये पीपल के पत्ते पे बने हैं। ये कब बना है? ये करीब 80 साल पुराने वो है। ये 80 साल पुराने? हाँ हाँ, साल पुरानी। और कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान के देखो पीपल के पत्ते पे पत्ता दिख रहा है ना आपको पीछे। हाँ। वैसे वो तो जो आचार्य जी का भी देखो आप ब्लैक एंड व्हाइट में, ये देखो ये कलरफुल बनाया हुआ है, बहुत कलरफुल है। और लाइटिंग इसमें कितनी है? हाँ, अभी भी बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल भगवान का, बहुत बढ़िया वो है। भगवान का जैसा स्वरूप होता है वही दिखाया गया है। पेंटिंग है? हाँ पेंटिंग है। हाँ हाँ, ये कागज दिख रहा है ना आपको, पेपर दिख रहा है ऊपर, पेपर दिख रहा है ना आपको उसमें जहाँ पे बॉर्डर है। मुझे लगा ये पोस्टर या क्या। नहीं 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 नहीं, ओरिजिनल पेंटिंग है। नहीं नहीं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना कि हमारे पहले ये टीरी रियासत थी, उसका नक्शा है, 1938 में जारी किया गया था ना, क्योंकि यहाँ पर गोरखाओं का शासन रहा था करीब 15 साल तक नेपाल का, तो उनको यहाँ से निकालने के लिए अंग्रेज़ों की सहायता ली गई थी। तब अंग्रेज़ों को ये वाला हिस्सा देना पड़ा था, जो पौड़ी गढ़वाल जिसको हम बोलते हैं, उसको ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाता है, ये लिखा है ना देखिए आप, क्योंकि ब्रिटिश उनके लोगों के हाथ में था तो ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाता है उसको। यहाँ देखिए आप, ये तिब्बत जो है चाइना बिल्कुल लगा हुआ था। अगर चाइना से कभी अतिक्रमण होता है तो इसी मैप के आधार पर बताया जाएगा कि भाई जो इंडिया की वो है सीमा है, जो बॉर्डर है वो कहाँ पर है, इसी का यूज। हाँ ओरिजिनल नक्शा है, 1938 में जारी किया गया था। फिर ये देखिए आप, ये सब पुराने वो है, ये देवप्रयाग का पहला कलर फोटो, 70 साल पुराना देवप्रयाग ओरिजिनली कैसा बसा था उसमें दिखाई दे रहा आपको। देवप्रयाग ओरिजिनली कैसा बसा था,
सो गाइस नक्षत्र वेधशाला हमने देखी और भाई साहब क्या क्या चीज़ें रखी हुई है वहाँ पर, इतनी पुरानी जो कि हमने तो कभी सोची भी नहीं थी कि यार इतनी पुरानी चीज़ें देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, ये तो देख के हैरानी हो गई थी। और इवन हमारे यहाँ ना बहुत वर्थ रहा, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा था ऑब्जर्वेटरी के नाम पे ना 2-3 टेलीस्कोप वगैरह रखे होंगे बस उनको दिखाएंगे, और बुक्स के नाम पे वैसे स्कूल टाइप की लाइब्रेरी होगी छोटी सी, लेकिन अंदर इतना सामान था, इतनी सुंदर थी, अंदर पेंटिंग्स थी जिसको देख के ना हमारे मतलब कहते हैं ना होश खो जाएं। हमारे भारत के इतिहास को इतने अच्छे से संजो के रखा हुआ है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जो मतलब 200, 300, 400 साल पुरानी हुई थी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि आज से 1000 साल पहले कागज रहा होगा। हमने एक कृष्ण भगवान की पेंटिंग देखी जो पत्ते पे बनी हुई थी, आप यकीन नहीं मानोगे ऐसे लग रहा था उसके पीछे लाइट जल रही हूँ। कैमरा ना जस्टिफाई नहीं कर सकता ऐसी चीज़ों को, क्योंकि जो चीज़ें आंखें देख सकती है भाई साहब वो डिफरेंट लेवल की होती है, तो उतना आपको देखने में सही नहीं दिखा होगा, लेकिन हमने जो फील किया वो नेक्स्ट लेवल था। तो भाई मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगा अगर आप देवप्रयाग से घूमने जा रहे हैं उत्तराखंड में कहीं पर भी, अगर देवप्रयाग बीच में पड़ता है तो ये जो नक्षत्र वेधशाला है ज़रूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी और काफ़ी जो नॉलेज है वो भी आपको मिलेगी इतिहास के बारे में। आप रिसर्च भी कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की रिसर्च करनी है अपने भारतीय इतिहास पर, वेदों पर, मेडिसिन वगैरह पर भी, तो भी आप वहाँ यहाँ आकर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनसे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। इसके बाद हम निकल पड़े रघुनाथ टेम्पल को विजिट करने के लिए, और ये देवप्रयाग में ही स्थित है और माना जाता है कि ये 10,000 साल पुराना टेम्पल है जो कि विष्णु जी को समर्पित है। तो भाई ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है और रघुनाथ मंदिर हमने देख लिया है और अब बढ़ रहे हैं आगे श्रीनगर की तरफ। सीन क्या हो जाता, मुझे लगा चाबी उनके पास चलेगी और वो निकल गए आगे। ये देखो जी बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, जय भोले बाबा। तो डेस्टिनेशन तो हम बहुत सारे कवर करते हुए जा रहे हैं और आपको दिखाते हुए जा रहे हैं, और अगर अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को दिखाने में मेहनत बहुत लग रही है, ट्रैक भी कर रहे हैं हम, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर और यहाँ पर कमलेश्वर टेम्पल है, दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। हाँ तो भाई श्रीनगर हमने कर दिया है क्रॉस और अब बढ़ रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। टाइम हो चुका है 8:34, बोला था ना मैंने नाइट राइड आज हो जाएगी। सो गाइस आज का जो वीडियो है यहीं पर एंड करेंगे, बेसिकली यार बहुत ज़्यादा थक गए थे राइड करते हुए और बहुत सारे डेस्टिनेशंस आपको दिखाते हुए, तो आगे का वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया, खाया पिया और जाकर बिल्कुल होटल में सो गए। बाकी आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा।